दोस्तों एक दिन बाद टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने जा रही है। 25 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा जिसमें कोहली, रोहित, पंत, बुमराह और शमी जैसे बड़े नाम शामिल नहीं है और इसी के चलते एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड से मात खाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के न्यूज जंक्शन में, जहां हम कवर करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फर्स्ट टेस्ट मैच के सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को, साथ ही बताएंगे आपको टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। सो स्टे विद अस फॉर सम टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्रिकेट लाइन गुरु की सारी नोटिफिकेशन पाएं और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स पाते रहे। सो वीडियो में सबसे पहले तो दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। भाई इस टीम में शामिल हो सकते हैं केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल या फिर सूर्य कुमार यादव, चितेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साहा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज। जो टीम में नहीं हो सकते हैं वो है श्रेयस अय्यर, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, जयंत यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। अब भाई लोग बड़े सवाल ये है कि क्या अय्यर को मिलेगा टेस्ट टीम में मौका या फिर क्या अश्विन और अक्षर की जोड़ी पर भारी पड़ेंगे रविंद्र जडेजा। वेल, रोहित की जगह हम मयंक और केएल की जोड़ी को ओपन करते देख सकते हैं जो कि आईपीएल में पंजाब के लिए कई दफे फायदेमंद साबित हुए हैं और शुभमन गिल थर्ड या फोर्थ पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों मसला खड़ा होता है कि सूर्य कुमार यादव को भी कानपुर टेस्ट के लिए ऐड किया गया है, तो ऐसे में क्या समीकरण बनता है टीम का वो देखना दिलचस्प होगा। टीम में जहां तक जगह सिक्योर करने की बात है तो कहीं ना कहीं रहाणे और पुजारा पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है, सो प्लेयर्स पर परफॉर्मेंस प्रेशर और ज्यादा होगा। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर ने तो रहाणे को टीम में रहने के लिए भाग्यशाली होने तक की बात छेड़ी है, प्लस इरफान पठान ने भी रहाणे पर निशाना साधा है, तो ऐसे में इंडिया के बैटिंग लाइनअप पर सभी की निगाहें होने वाली हैं और यही रीजन है टीम में कई बल्लेबाजों को ऐड किया गया है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो कि सिंगल हैंडेडली इंडिया को जीत की दहलीज पर ला सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्म करते हुए सीरीज में 27 विकेट चटकाने वाले अक्षर पटेल का होम ग्राउंड पर अलग ही मिजाज रहा है। इसका अंदाजा हम हाल में ही खत्म हुई T20 सीरीज से लगा सकते हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और लास्ट मैच में अपने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। सो ही इज द गाय जो कि कानपुर टेस्ट में बड़े प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में कीवियों की ईंट से ईंट बचा सकता है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है और किस तरह की प्लेइंग 11 होनी चाहिए, जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों बताएं कि क्या पुजारा और रहाणे को टीम में अभी भी इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की अपडेट्स के साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।